राजधानी भोपाल में बिजली विभाग का कारनामा सामने आया है। इसकी पोल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने खुली। दरअसल भीमनगर जुग्गी बस्ती में रहने वाली निर्मला बाई को बिजली विभाग ने 13,731 रुपए का बिल थमा दिया, जबकि 2 महीने पहले उसने नया मीटर लगवाया है। वो बिल लेकर ऊर्जा मंत्री के आवास पर पहुंची और अपनी समस्या बताई। मंत्री जी ने भी बिना देर किए बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ महिला के घर पहुंचे। वहां देखा तो केवल एक बल्ब जल रहा था, घर में टीवी फ्रिज भी नहीं थे। ऐसे में मंत्री तोमर ने मौके पर अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही बिल में सुधार और जांच की बात भी कही, जिसके बाद महिला को 212 रुपए का नया बिल जारी किया गया। तो ये 2 महीने 14 तारीख हुए हैं जी, इसने ये पैसा जमा किया था जी। तो अब ये 13,000 का बिल है जी, कैसे मुझे इसका वो चाहिए? मैं सब पूरा विश्लेषण करके 6 महीने की रीडिंग निकाल के पूरा। नहीं तो 6 महीने की रीडिंग जब इसका कनेक्शन हुआ है 3 महीने पहले। 3 महीने 6 महीने कैसे होगा? कटा पड़ा है तो उसने 7,000 रुपए जमा किए जी, तो वो कटा पड़ा है तो वो 3,000 रुपए भी उसमें से कटे होंगे जी। हाँ सर कटे होंगे ना जी सर। तो मैं वही तो जानना चाहता हूँ पूरा। और पहले भी 2 साल इसके फ्रैक्चर हो गया, वेरिफिकेशन करिए, ये यहाँ रहती नहीं थी और कनेक्शन आपने काट दिया था जी। तो यहाँ पे कोई ऐसी भूमि नहीं है, कोई फैक्ट्री या यूनिट के फिक्स चार्ज लगेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। अगर वो नियम तो वो बताओ मुझे। नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं सर। तो फिर मुझे ये बताइए कि इस गरीब माँ का जी, इस गरीब माँ का बिल इतना क्यों? तो मेरा कहना है, हमारा मैंने मान लिया, पर ये जिम्मेदारी हमारी है कि बिल जनता के बीच विश्वास पैदा करना जी। जो हमारे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लिबरल होते हैं, और जो सीधा साधा आदमी उसके प्रति हम उसके बिल ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी से काम चलेगा। हमको डिपार्टमेंट की छवि बनानी है और हमको जो हमारा बिल है उसकी सही रीडिंग दें, उसको सही तरीके से समय पे जाके उनसे कहें बिल भरे। ये टूटी है हमारी, ये बिल जिसने जारी किया है जी। ये बिल मुझे ऐसे जारी करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन, क्योंकि नहीं तो ये परंपरा ही गलत हो जाएगी। इनका कौन रीडर है, कैसे दिया ये तो परंपरा गलत हो जाएगी।